धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसका संबंध न केवल मेरे राज्य से है बल्कि आपके राज्य से भी है और कतिपय अन्य राज्यों से है जहाँ पर इस साल वर्षा बहुत कम हुई। महोदय, आप जैसा कि जानती हैं कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। महोदय, झारखंड राज्य तो यूँ भी ड्रॉट प्रोन राज्य में से रहा है और जिस संसदीय क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वो तो रेन शैडो एरिया में आता है। वहाँ पर हर अल्टरनेट ईयर में सुखाड़ या अकाल जैसी स्थिति रहती है। चालू वर्ष में हमारे क्षेत्र में भारी कमी हुई है वर्षा की और जून और जुलाई के महीने में झारखंड में क्रमशः 154.4 मिलीमीटर और 344.7 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है, जबकि गत वर्ष इस जून और जुलाई महीने में इससे कहीं ज़्यादा कम वर्षा हुई थी। जुलाई 2022 में 23 जिलों में से बारिश बहुत कम हुई है। झारखंड के विशेषकर 5 जिले पलामू, गढ़वा, गोड्डा, साहबगंज और पाकुड़ में इस दौरान बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। इससे राज्य के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य की 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। इस जुलाई माह में कुल खरीफ लक्ष्य का मात्र 19% ही बुआई हुआ है, वो भी बिचड़ा खेत में ही सूख गया है, जबकि लक्ष्य करीब करीब 1,35,970 हेक्टर में बुआई का था। इसके अलावा मक्का और तेलहन की भी फसल की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, जो कि वर्षा नाम मात्र की भी नहीं हुई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि झारखंड राज्य को सुखाड़ घोषित करने तथा आने वाले महीनों में खाद्य संकट के किसी भी प्रभाव को कम करने और पशुओं के लिए चारा का प्रबंध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। महोदय, मैं साथ साथ केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि झारखंड के किसानों की हुई आर्थिक क्षति का आकलन और खास करके पलामू और गढ़वा जिलों में सुखाड़ से हुए नुकसान का आकलन, राज्य के फसल पैटर्न का विश्लेषण करने और राज्य के वर्षा पैटर्न में बदलाव के चलते वैकल्पिक फसल पैटर्न और विधियों के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन करने की कृपा की जाए। बहुत बहुत नदी जोड़ने का भी तो बोलिए महोदय, नदी से नदी जोड़ने का, नदी से नदी जोड़ने की तो एक महत्वपूर्ण योजना जो केंद्रीय सरकार की है ही, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।